ये काफी एक्सोटिक बर्ड्स है, साइज यही रहती है और भी बड़ा होता है। इसको ऐसा डर रहता है कि ये लोग घर से भाग जाएंगे। ग्रीन चिकन है, देखो आपने इसे कैसे ही पकड़ा, ये काटेगा नहीं। मैं आपको काफी सारे है ना एक्सोटिक बर्ड्स दिखाने वाला हूँ, जो की आप यहाँ पर देख सकते हो। काफी सारे ये एक्सोटिक बर्ड्स है, तो ये सारे बर्ड्स है ना सेलिंग के लिए अवेलेबल होते हैं। तो आप इसको कैसे परचेज कर सकते हो, कैसे इसको अपने घर पे एज अ पेट भी रख, और ये एज अ पेट रखना है ना बर्ड्स को काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो हमारे साथ में मेरे फ्रेंड है वाजिद भाई। तो भाई आप ये बर्ड्स के बारे में थोड़ी डिटेल्स दो हमें, ये कौन से स्पीशीज के बर्ड है। ये जितने भी बर्ड्स मैं शो कर रहा हूँ सारे लीगल बर्ड्स है। अच्छा, और ये सब हैंड टेम बर्ड्स है। ये जो है ये सन कैन्यूर बर्ड है। ओके, ये फुली येलो डोमिनेंट पाइड है। ओके, ये बहुत छोटा बेबी है, अभी 2.5 मंथ्स ओल्ड है। ये हैंड फीडिंग पे अभी, और इसमें फिर उसके बाद है मेरे पास लुटिनो मॉन्क है। Okay. मॉन्क की स्पीशीज आप देख सकते हो, फुल्ली टेम बर्ड है। अच्छा, ये बहुत ही ब्यूटीफुल बर्ड है और ये टॉकिंग करता है। अच्छा, अभी आप तो फर्स्ट टाइम बर्ड देख रहे होंगे, ये सब हैंड टेम है ये सब। तो ये जो है बहुत काफी फ्रेंडली होता है, ये बाइट नहीं करता है। अच्छा, और ये काफी डिमांडिंग बर्ड है मार्केट में। आप ये केज बर्ड नहीं है। अच्छा, इसको आप फ्रीली रख सकते हो घर में। फ्रीली रह सकते हो आप घर में। इसमें कैसा है, बहुत सारी स्पीशीज आती है बर्ड्स के अंदर भी। अगर अभी जैसे मेरे पास बेसिक म्यूटेशन है ग्रीन चिक कैनरी। ओके, ये ग्रीन चिक कैनरी है, देखो आपने इसे कैसे ही पकड़ा, ये काटेगा नहीं। इसकी स्पेशलिटी ये है कि काटेगा नहीं। अच्छा, क्योंकि ये हैंड फीडिंग से बड़ा होता है, फुली टेम बर्ड्स है। अब इसको खिलाते क्या हो फिर? इसको देखो, ये जो छोटा बेबीज होता है ना, उसको हैंड फीडिंग कराना पड़ता है। ओके, हैंड फीडिंग में A19 फॉर्मूला आता है, बहुत सारे फॉर्मूलास आता है। ओके, एक सेरेलेक की तरह होता है वो, उसको फीड कराना पड़ता है। खाने लगेगा फिर आप क्या खिला सकते हैं घर पे? ये सीड्स खाता है, स्प्राउट्स खाता है। अच्छा, वेजिटेबल ज्यादा खाता है। ओके ओके, और ये एकदम हाइजीन बर्ड है, ये गंदगी नहीं करता बिल्कुल। अच्छा, काटता है लेकिन ये? नहीं काटता नहीं। अच्छा, आप इसके बीच में भी हाथ लगाओ तो भी नहीं काटेगा। अच्छा, काटेगा। तो साइज यही रहती है और भी बड़ा होता है? नहीं, ये और बड़ा होगा। अच्छा, ओके। अच्छा, कितने एज का ये? ये अभी है ऑलमोस्ट समझो 7 मंथ का है। ओ अच्छा, ये और मोटा होगा और थोड़ा लेंथ में बढ़ेगा। लाइफ लाइन क्या रहती है इनकी, कितने एज तक? इसकी जो होती है 40 इयर्स होती है। ओ अच्छा, 40 इयर्स। इसमें बहुत सारे म्यूटेशन आता है, ब्लू कलर आता है। अच्छा, व्हाइट कलर आता है एंड इसमें येलो आता है। ओ अच्छा, ऐसे हम इसको फ्रीली घर में भी छोड़ सकते हैं? हाँ छोड़ सकते हैं इसको। अभी ये देखिए ये उड़के किधर से किधर आ रहा है। तो इसको ऐसा डर रहता है कि ये लोग घर से भाग जाएंगे। हाँ, थोड़ा आपको केयर करना पड़ेगा। अच्छा, फैन का केयर करना पड़ेगा, विंडो को केयर करना। अच्छा, विंडो से निकल जाएंगे वरना। अगर इसका विंग स्ट्रिम रखोगे तो फैन का आपको कोई इश्यू नहीं, और विंडो पे आप जाल लगा दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। करेक्ट, फिर भी एक अपना ये बेबी जितना होता है तो इसको केयर करना पड़ेगा। इसमें मेंटेनेंस इतना कुछ नहीं होता है। अच्छा, और वो अपने स्टैंड पे वापस। इसके नेल्स ऐसे शार्प रहते हैं क्या? नेल्स इतने शार्प नहीं होते, अभी आपकी स्किन जैसे फर्स्ट टाइम आप ये बर्ड रख रहे हो स्किन पे तो आपको थोड़ा ऐसा लगे क्या, शार्प है, शार्प है, बट टू डे 2-3 दिन में आप यूज हो जाओ। अच्छा अच्छा, ये इतना शार्प नहीं होता है। ओके ओके, मेरा पाइनएप्पल कनियर है। अच्छा, ये पाइनएप्पल कनियर है। ओके, और इसके बाद फिर मेरे पास है ये वाला ग्रीन चिक कनियर जो मेरे शोल्डर पे बैठा है। ये ग्रीन चिक कनियर है, ये सब फुल्ली टेम्ड है, इसके बीच में भी हाथ डालो तो काटेगा नहीं है। अच्छा, और इसके बाद फिर मेरे पास है चिक्स की वैरायटी है, हैंड पेंटिंग चिक्स है सब। छोटे बच्चे से बड़ा करता हूँ मैं, तब जाके वो टेम्ड होता है। ओके ओके, बेसिकली अभी ये जो बच्चा है ये बड़ा होके ये सेम ऐसा दिखेगा जो ग्रीन वाला है। अच्छा ओके, ये अभी 1 मंथ ओल्ड है। अभी ये हैंड फिटिंग ऐसा मांगता है पेरेंट्स। ओहो, और ये हमको ही पेरेंट्स मानता है। ओ अच्छा, आप जैसे अभी कोई भी बर्ड होता है तो हम लोग उसको जैसे पेरेंट्स नहीं खिलाता तो हम लोग लेके उसको बड़ा करते हैं, तो उसको ऐसा आप हैंड फीडिंग करा करा के हम लोग उसको पूरा टेम करते हैं, जिससे वो हमको ही पेरेंट्स मानता है। हाँ, इसके लिए इतना टेम होता है। अभी इसकी एज क्या होगी? इसकी एज 1 मंथ है अभी। ओ अच्छा, 1 मंथ का बेबी। ओके ओके, ये अफ्रीकन लवबर्ड का बेबी है अभी ये। इसको ब्लू मास बोलते हैं, ब्लू मास बेबी। ओके, ये बड़ा होके बहुत खूबसूरत दिखता है। ओ अच्छा, और ये सब लीगल बर्ड है, इनलीगल बर्ड कोई नहीं। हाँ हाँ, इसको रखने के लिए कुछ पेपर वर्क की जरूरत होती है हमें? कोई पेपर वर्क की जरूरत नहीं है, ये सब लीगल बर्ड है, ये सब साउथ अफ्रीकन स्पीशीज है। अच्छा, इंडियन बर्ड कोई भी नहीं है। ओके ओके, और इसकी प्राइसिंग क्या होगी? अभी जैसे अब ये बच्चा आपके हाथ में है, ये बच्चा बेबी मैं 1500 रुपीज का देता हूँ। अच्छा, ये हैंड टेम रहेगा पूरा जैसा बड़ा होगा,
और आपको अगर इसमें बड़ा चाहिए तो बड़ा आपको आएगा 2000 तक आता है, जिसका मार्केट प्राइसिंग आप लेने जाओगे पेट शॉप से तो आपको ये सिंगल पीस आपको 4000-3000 में मिलेगा। अच्छा, और मेरे पास मैं होलसेल में करता हूँ तो इसलिए मेरे पास प्राइसिंग कम होती है। ओके, उसके बाद फिर आता है ये येलो कलर का जो है, ये आपको 4000 रुपीज में आएगा फुली। अच्छा, ये बच्चा है अभी, ये 2.5 मंथ एज है इसकी। ओके ओके, ये 4000 रुपीज में आपको येलो सैलेड आएगा। ओके, वन टाइम हैंड फीडिंग पे। और अगर इसको पूरा सेल किया तो 4500 का मिलेगा। अच्छा, जो येलो वाला बर्ड था हमने देखा, उसके प्राइसिंग क्या है? ये रूटीन मॉन्क है, देख सकते हो आ रहा है। ये लुटीने मॉन्क है, ये काफी एग्जॉटिक बर्ड्स है। अच्छा, तो ये बहुत कम देखने मिलता है, टॉकिंग बर्ड है। हेलो, बात करता है वैसे? बात करता है। अच्छा, ये वर्ड बोलता है, ये फुली टेम्ड है। ओके, इसका प्राइसिंग जिसको भी चाहिए कॉल पे बताऊंगा, क्योंकि बर्ड्स का जो प्राइसिंग है वो डेली चेंज होता है। ओ, अच्छा, डिपेंड ऑन दी क्या बोलते हैं अवेलेबिलिटी पे और डिमांड सप्लाई पे। ये ग्रीन चीक कलर की प्राइसिंग है मेरे पास 4000 रुपीज सेल्फ फिटिंग बर्ड, और इसमें डीएनए भी करके मिल जाता है, मेल फीमेल अगर चाहिए। अच्छा, डीएनए लैब में टेस्टेड होके वो भी मैं करके दे। हमने है ना ये सारे बर्ड्स का तो लुक ले ही लिया, तो अभी हम है ना इनके अंदर रूम में चलकर देखते हैं, वहाँ पर ये सारे है ना बर्ड्स ब्रीडिंग के लिए रखे हैं उन्होंने, तो भाई हमें वो भी बता दो एक बार। मैं दिखा देता हूँ, ये सारे बर्ड ब्रीडिंग पर्पस के लिए है, ये वाइल्ड केज बर्ड है। अच्छा, ये अंडे बच्चे जैसा ये बेबीज है। अच्छा, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके, ये मेरा सेटअप है छोटा सी। ओ, अच्छा, सही है। तो ये एक ब्रीडिंग पैर है। अच्छा, ये पाइनएप्पल गर्ल आपने जो देखा है मेरे हाथ पे जो उड़ के आ रहा है, ये उसके पेरेंट्स है। अच्छा, और फिर ये भी एक पैर है मेरे पास, ये कौन सा बर्ड है? ये पाइनएप्पल कन्यू रेड फैक्टर है। अच्छा, और ये येलो सैरेट कन्यू है, ये येलो सैरेट कन्यू है, ये भी ब्रीडिंग पैर है। ओ, अच्छा, इन सब के बॉक्स हटा दिया हमने, ये सब सेलिंग के लिए अवेलेबल है। और फिर नीचे मेरे पास और बर्ड है, देख सकते हैं। तो ये मेरा रूम पूरा बेसिकली पूरा इसके लिए ही मैंने रखा है, पूरा डेडिकेटेड रूम के लिए, बर्ड्स के लिए। आपकी हॉबी है क्या वैसे? ये मेरी पहले हॉबी थी, हॉबी से फिर आहिस्ता आहिस्ता बिजनेस पे करता हूं। अच्छा, और इसका इतना ज्यादा डिमांड है बर्ड्स का सेलिंग का, तो इसलिए फिर मेरे पास जितने बच्चे पैदा होने लगे तो मैं सेलिंग करने लगा। ओ, अच्छा, और मेरा ये काम 10 साल से मैं कर रहा हूं, लास्ट 10 इयर्स से। काफी एक्सपीरियंस रहेगा आपको। हां, मेरे पास ओनली लीगल बर्ड में ही करता हूँ, इलीगल बर्ड्स के लिए इंक्वायरी ना करे। इंडियन स्पीसीज सारी बैंड है। okay, वो मैं नहीं रखता हूँ, आपको सारे टेम बर्ड्स मिलेंगे। करेक्ट, आपको कम से कम प्राइस में कोशिश करता हूँ मैं देने का। आप अगर मेरे से कंपेयर करोगे प्राइसिंग में और शॉप वाले से करोगे तो मेरा प्राइसिंग काफी कम होता है। अच्छा, क्योंकि मैं ही यहाँ से मेरे पास से बर्ड शॉप पे जाता हूँ। ओके ओके, और मेरे पास क्वांटिटी में बिजनेस, तो इसके लिए मेरे पास प्राइसिंग कम। करेक्ट। सो गाइस, मैंने आपको काफी सारे बर्ड्स की प्राइसिंग भी बताई, जो प्राइसिंग नहीं बता पाई मैं आपको इनके कॉन्टेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, आप डायरेक्टली इनसे कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं अगर आपको जेन्युइनली परचेज करने हैं कोई। और जिस किसी को भी यहाँ चाहिए रहेगा मेरा नंबर रहेगा, आप प्लीज कॉन्टेक्ट करना, व्हाट्सएप कर देना बेटर होगा। मेरे पास अफ्रीकन ग्रेस, मकाओ सब बर्ड्स मिलेगा। अच्छा, छोटे से छोटा बर्ड से बड़ा बर्ड्स मिल जाएगा। करेक्ट। सो गाइस, यही था कुछ यहाँ पर सारे बर्ड्स का हमारा लुक। तो आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, आपको मैंने परचेसिंग का भी पूरा प्रोसेस बता दिया, आप चाहे तो यहाँ से परचेस कर सकते हो। और बस अब ये वाला ब्लॉग भी यहीं पे एंड करते हैं। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू एंजॉयड दिस वीडियो, डू हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड आल्सो क्लिक द बेल आइकन। सो गाइस, स्टे सेफ, स्प्रेड लव एंड हैप्पीनेस टू व्हाटएवर यू वांट टू डू, बट डोंट डू द रॉन्ग थिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। Till that time, goodbye.